आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर कुठाड़ के बलोरी गांव के मैदान में चल रहा स्वर्गीय आकांक्ष सेन मेमोरियल टूर्नामेंट आज संपन्न हुआ। आज एक रन उसने खेल दिया है, जी हाँ एक रन, काफी लंबा मैच है 15-15 ओवर का, जिसमें 21 टीमों ने भाग लिया। फाइनल में डीएलएफ 11 और भोले 11 सुबाथु की टीम का मुकाबला हुआ और डीएलएफ 11 ने बाजी मार ली। जय शंभू जय माता दी। सभी बधाई के पात्र हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी ऐसी क्या स्ट्रेटेजी रही है जिससे आपने इस मैच को जीता? ये बताएंगे सर हमारे कोच, ये बहुत ही अच्छे खेले हैं हमारी टीम के, ये हमारे बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं ऋषभ, इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, और सचिन भाई अपने जो बड़े दूर से आए हमारे, और इनके ये छोटे भाई, इन सभी खिलाड़ियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन, सारा टीम एफर्ट है, सारा टीम एफर्ट, यूनिटी। आपको कभी ऐसा लगा कि दूसरी टीम आप पे स्ट्रांग रही कभी? नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, तो आप लोग बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप रनर्स अप टीम है। हार और जीत तो मैच में चली रहती है, क्योंकि जब एक प्लेयर मैदान में उतरता है तो एक जीतेगा एक हारेगा, स्वाभाविक सी बात है, पर आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला है क्योंकि हम लोगों ने भी आपके मैच को ऑब्जर्व किया है। आपकी टीम में थोड़ी सी कुछ कमी रही होगी जिस वजह से आप लोग मैच को लूज कर गए, तो ऐसी क्या आपको कमी दिखी जिस वजह से आपने ये इस मैच को नहीं जीता है? बहुत अच्छी गेंदबाजी की इन्होंने, अच्छा बॉल था, फील्ड था, बल्लेबाजी थी, कोशिश पूरा किया लड़कों ने, पर हार लग रहा, आगे थोड़ा और अच्छा करेंगे। आपकी टीम में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी थी इस वजह से कुछ ऐसा हुआ? एक्चुअली बैटिंग ऑर्डर हमारा थोड़ा, बैटिंग ऑर्डर ओपनर हमारा एक थोड़ा बाहर हो गया जिस वजह से शफल हो गई, पैर की थोड़ी कमी खलग जिस वजह से। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग रनर्स अप रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक भी पहुँचना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये मैदान का काम है और मैदान में कुछ भी हो सकता है। इस समारोह के मुख्य अतिथि राणा अरुण सेन का फ्रेंड्स 11 और आए हुए खिलाड़ियों ने जोरदार स्वागत किया। मुख्य अतिथि जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, माननीय श्री राणा अरुण सेन जी, ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए सभी दर्शकों के आगे से निवेदन की वो तालियों से इनको स्वागत करें। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं, यह टूर्नामेंट शुरू होकर आज 5 तारीख को समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ, और इसी बीच हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए हमारे क्लब के सदस्य दर्शकगण व साथ ही हमारे आज के जो फाइनल में टीमें खेल रही है उनका हार पहनाकर स्वागत करते हुए मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को बताना चाहूंगा कि ये जो दो फाइनल की टीमें आज यहाँ खेल रही है वो टीएलएफ 11 व भोलू 11 से बनी है। कप्तान अपने प्लेइंग 11 का इंट्रोडक्शन करवाते हुए स्वर्गीय आकांक्ष सेन की स्मृति में सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी याद में जो फ्रेंड्स क्लब कृष्णगढ़ कुठाड़ जो एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया वो एक उनके प्रति सहानुभूति या
हमेशा अपने दिल में याद रखने के लिए कराया गया टूर्नामेंट है। मैंने जब हमारे एक्स एमएलए जी आए थे तब भी कहा था कि ये टूर्नामेंट बंद नहीं होना चाहिए, और आज भी जो लोग कुठाड़वासी एम राणा अरुण सेन जी हैं उनसे भी चाहूंगा कि ये टूर्नामेंट अब शायद कभी बंद ना हो। मेरी तरफ से जो भी सहयोग रहेगा और हमारे क्लब की तरफ से जो सहयोग रहेगा हमेशा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इस टूर्नामेंट के समापन समारोह के मुख्य अतिथि स्वर्गीय आकांक्ष सेन के पिता राणा अरुण सेन ने आए हुए सभी खिलाड़ियों और इलाका वासियों को इस समारोह के आयोजन में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद ललित शर्मा जी। परमादरणीय हमारे कुठाड़ इलाके के यहाँ के अनबान शान हमारे राजा साहब राणा जी, हमारे बीच में मेरे दोस्त गुरदेव जी, अन्य सभी बाहर से आए हुए प्लेयर एवं जितने भी यहाँ पर स्थानीय लोग पहुँचे हैं, आप सभी का आज के इस समापन समारोह में मैं अपनी तरफ से पहुँचने पर धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। हमारे मीडिया से मेरे भाई राजीव जी, सुदर्शन जी, आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, एक वर्ष हुआ हम सभी के ऊपर एक बहुत बड़ी एक हम सभी को एक दुखद एक समाचार जो एक वर्ष पहले मिला, जिससे कि हमारा पूरा कुठाड़ इलाका एक दुख के एक समुद्र में हम डूब गए थे। और हमारे राजा साहब राणा साहब की के आशीर्वाद से हमारे इलाके का आस पास की पंचायतों में भी काफी विकास इनके आशीर्वाद से होता रहा है। और अगर मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात कहूँ तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमारी कुठाड़ एक पंचायत ऐसी है, और दून विधानसभा में भी हमारी कुठाड़ ही पंचायत ऐसी है जहाँ पे सबसे विकसित पंचायत, सबसे ज्यादा विकास जो राजा साहब के ही आशीर्वाद से हुए हैं। हम सभी इनके हमेशा ही ऋणी रहेंगे। साथियों, हम इनके साथ इनके दुख में इनके सुख में हम हमेशा इनके साथ खड़े हैं। और मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। आज जो भी टीमें यहाँ पर विजेता रही है मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं, और आप सभी का यहाँ पर फिर से पहुंचने पर आने पर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी इलाका के खेल प्रेमियों, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले फ्रेंड क्लब और स्थानीय लोग, मुझे बहुत खुशी है और मैं आप सभी की भावनाओं का दिल से आदर करता हूँ, कदर करता हूँ। जो जो स्नेह प्यार आप लोगों का मुझे मिलता रहा है उससे मुझे मजबूती मिली है, और मैं यही चाहूंगा कि ये हमारा प्रेम और स्नेह हमेशा के लिए बना रहेगा। यहाँ उपस्थित प्रधान जी, मीडिया के लोग, ललित शर्मा जी, राजीव जी बहुत इलाके के विकास के लिए मीडिया द्वारा बहुत ज्यादा इस इलाके को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं इनकी प्रयासों का सराहना करता हूँ, और जो मैंने इनके अंदर टैलेंट देखा है मुझे ये कहने में जरा भी शक नहीं है कि ये हमारा एक उज्ज्वल नगीना है
जो बहुत बुलंदी तक जाएगा, हमारी सब याद शुभकामना। नौजवानों, वो घड़ी मुझे फिर आपने याद दिला दी, एकांश सेन इस क्षेत्र का बहुत ही एक अनमोल नगीना था। उसने अपने स्कूल के करियर में आइनबो स्कूल में नहीं नहीं पूरे जिला में गोल्ड मेडल प्राप्त करके 94% 12वीं में मार्क्स हासिल किए और इसी के बिना पर उसे दिल्ली की जो सबसे मशहूर और पुरानी यूनिवर्सिटी है हिंदू कॉलेज, उसमें अपना अगला भविष्य संवारने का मौका भी मिला। हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और उनकी भी बहुत बुलंद सोच थी, जिसे मुझे विश्वास था कि वो इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अनमोल नगीना साबित होंगे। लेकिन खैर, जो कृष्ण ने लिखा था वो हुआ, मगर उन्होंने अपने पूरे जीवन में हमेशा खुशियां ही बांटी। जहां भी गए, जिससे भी मिले, जो भी मदद हो सकी, उसके लिए हमेशा खड़े रहे। मुझसे अक्सर बच्चों की पैसे की डिमांड होती थी तो हम पूरी करते थे, मगर जैसे ही मैं पैसे दे उनको दे रहा, दो दिन के बाद वो कहते थे पैसे खत्म हो गए, मेरे आपने क्या किया, मेरे इस मित्र को जरूरत थी, ये मेरा एक पुराना कोई सेवक है, इसको जरूरत थी। उनके जेब में कभी भी 150 से ज्यादा पैसा दे रहता था, जितना भी डाल दो यारों दोस्त को जरूरों को बंदों में बांट देते। तो ये अच्छाई उनकी जो है ये हमें हमेशा याद रही। सारे जहां में अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने लोगों के भी हमेशा खुशियां बांटी और जितने भी लोग हमें मिलते हैं वो इस भावना का जोरदार वो तरीके से कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति का होना बहुत मुश्किल है। खैर, आपने जो स्नेह दिखाया है अपना योगदान देने का विश्वास दिलाया है, मुझे विश्वास है कि उनकी याददाश्त को आप बनाए रखेंगे और ये जो आकांक्ष मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ के नौजवानों ने शुरू किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी ओर से आपको पूर्ण सहायता मिलेगी। जो भी आप कहेंगे मैं इस पावन कार्य के लिए हमेशा आगे रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो एक उज्जवल सितारा आज कहीं आसमान में रोशनी बिखार रहा है, वो और भी चमकेगा और वहां से हम सभी को दुआएं देगा। मैं सबको अपनी तरफ से इस सुंदर आयोजन के लिए 20,000 रुपए देता हूँ और जो आपके क्लब के अध्यक्ष है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया वो ये राशि तय करें। ये छोटी सी मेरा योगदान और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आप इसको आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे आपकी कृपा। एक दफा मैं फिर आप लोगों का
सभी नौजवानों का, भाइयों का, बच्चों का इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए और इसे सफल बनाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और इस क्लब को मैं आशीर्वाद देता हूं कि जैसा ललित जी ने मैं कहा, हम सब गोदार के लोग, हमारे गांव के लोग बहुत सीधे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं और हमेशा सही रास्ते पे चलते हैं, ये मैंने उनको अजमाया है। तो और कोई बात हमको छोड़कर सब एक हो चुके इस पावन कार्य को हर साल आगे बढ़ाएंगे, मैं ऐसे आप सभी से उम्मीद रखता हूँ। इस पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। फ्रेंड्स 11 के सदस्यों ने मुख्य अतिथि व उनके साथ आए मेहमानों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित भी किया। अंत में विजेताओं को ट्रॉफियां और कैश प्राइज दिया गया। हमने सबको अपने साथ जोड़ा, साथ में अंकल
हैप्पी के पापा हैं, नाम पता नहीं, फौजी है। जब से छुट्टी आए हैं ये हर दिन हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगा कि इनको भी एक गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जाए। प्लीज इनका भी एक गेस्ट ऑफ ऑनर बनता है। और इसके बाद हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के आखिरी दावेदार जो मिस्टर राजीव खामोशी हैं, जिन्होंने हर पल हमारा सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपके टूर्नामेंट की एडवर्टाइजमेंट करता हूं। जितनी भी टीमें आई हैं उनमें से आधी टीमें इनकी एडवर्टाइजमेंट की वजह से आई हैं, क्योंकि टीमों के बिना टूर्नामेंट कराना असंभव सा होता है। अगर 10 टीम आती तो हम इतना कैश प्राइज भी नहीं रख पाते, ना ही इतना अरेंजमेंट कर पाते। तो मिस्टर राजीव खामोशी जी प्लीज मंच पे आए। और मैं सभी खिलाड़ी भाइयों से कहना चाहूंगा, कुठार का चैनल है आपका चैनल, जिसके कर्ता धर्ता मिस्टर राजीव खामोशी हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के बिना टूर्नामेंट असंभव था, क्योंकि सब कुछ अरेंज हो जाता है, लोग आ जाते हैं लेकिन खिलाड़ी आने मुश्किल हैं। तो इन्होंने हर काम में हमारा बढ़ चढ़कर साथ दिया। होता है कि अंपायरिंग डिसीजन भी गलत होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी विवाद नहीं किया, हर डिसीजन को सर्वसम्मति से माना, तो इन सबका धन्यवाद। इसके बाद ललित शर्मा जी मंच का कार्यभार संभालेंगे। ललित शर्मा जी धन्यवाद जी। तो ये जो 12 दिन का टूर्नामेंट था, इसका समापन समारोह हुआ, हमारे आज के मुख्य अतिथि जो आए राणा अरुण सेन जी, उन्होंने हमें जो भी राशि 20,000 रुपए राशि जो दी है, उस राशि के हम सदा उनका धन्यवाद रखे रहेंगे। और अगले जो टूर्नामेंट होगा उसमें आपको वो चीज दिखनी शुरू हो जाएगी कि उसका मिसयूज नहीं हो रहा है। मेरी तरफ से मैं यही आश्वासन आपको दे रहा हूँ। धन्यवाद, सभी दोस्तों को धन्यवाद। मैं कहूँगा अकांग सेन जी, तो आप लोगों ने कहना है अमर रहे अमर रहे। अकांग सेन जी अमर।